जिसका रिमोट है, पीछे इसका कीबोर्ड होता है, आगे इसका रिमोट होता है। स्मार्ट टीवी के साथ लगा सकते हैं, लैपटॉप के साथ लगा सकते हैं, कंप्यूटर के साथ लगा सकते हैं। ये तो ब्रांडेड है, एमआई कंपनी का है। ओके, स्मार्ट टीवी से लाख गुना अच्छा होता है ये इस बॉक्स को लगाना। ये आती है 395H, ये बहुत अच्छी है, 6K तक जाती है ये, और ऑल द वे अराउंड आपको तकरीबन 10-12 हज़ार करीब चैनल मिल जाते हैं। ये चैनल्स के लिए तो ये बहुत ही हॉट केक है, सबसे ज़्यादा इस चैनल की वजह से बिकता है। अमूमन अगर चाहते हैं कि आपका मोबाइल का जो डिस्प्ले है वो टीवी पे आ जाए, मोबाइल में जो कुछ आप देखना चाहते हैं वो सब आपके टीवी पे आएगा, और सस्ते पैसों में आपका टीवी स्मार्ट होता है। ठीक है। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं सदर रीगल की मार्केट में, और यहाँ पर हम आपको लेकर आए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो दिखाने के लिए। लोग परेशान होते रहते हैं कि लाइट चली गई, केबल का तार टूट गया, चैनल कैसे देखें, टीवी कैसे देखें। तो आइए, हमने उसका हल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ रहें आखिर तक और जानिए मज़ीद तफसीलात। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबाएँ, कमेंट्स में ज़रूर अपनी कीमती राय का इजहार करें। इस वीडियो में आप घर बैठे बहुत कुछ जान सकते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, तो आइए देखते हैं वीडियो। सर, मेरा नाम वहीद है और मुझे मार्केट में सारे समी के नाम से जानते हैं, निकनेम मेरा समी है। हमारी दुकान का नाम है सत्तार इलेक्ट्रॉनिक्स, बलूच मार्केट, दुकान नंबर 17 है, सत्तार इलेक्ट्रॉनिक है। ये मेन रीगल पे वाक़ है, अगर रीगल पे आपने शफीक टिक्के वाला देखा हो, बड़ा मशहूर है, मेन शफीक टिक्के वाले के बिल्कुल साथ वाली गली है। गली के अंदर आएंगे होटल अलमावा है, होटल अलमावा के बिल्कुल साथ ही बलूच मार्केट है, बलूच मार्केट में दुकान नंबर 17 है, सत्तार इलेक्ट्रॉनिक्स। सर, हमारा बेसिकली जो काम है वो एंड्रॉयड बॉक्सेस का ही है, जो सादे टीवी को स्मार्ट कन्वर्ट करता है, हमारा मेन काम सारा वही है, हम उसी पे होलसेल में और रिटेल पे काम कर रहे होते हैं। सर, प्राइसिंग स्टार्ट होती है 1500 रुपये से, अगर आप अपने सादे टीवी को स्मार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1500 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ही इनिशियल है 1500 रुपये, और अगर फिर जितना जितना आपका रेंज बढ़ता जाएगा उसका प्राइस बढ़ता जाएगा, जैसे 2000 है, 3000 है, 4000 है, 5000 है, फिर इसमें कैटेगरी है, वो मैं आपको आगे डिफाइन करूँगा क्या है क्या नहीं है। ये 1500 रुपये का है, निकाल के मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये बेसिकली पर क्या काम करता है कि आप अगर चाहते हैं कि आपका मोबाइल का जो डिस्प्ले है वो टीवी पे आ जाए, जिनका बजट कम होता है, जो बहुत ही कम बजट पे होते हैं, तो वो इस पे जाते हैं। ये आप अपने किस टीवी के साथ, सिंपल टीवी के साथ कनेक्ट कर दें। जी, मैं निकाल के दिखा देता हूँ। ये बड़ा सिंपल होता है, ये HDMI के पोर्ट में लग जाता है, ठीक है, और उसके साथ एक डेटा केबल होती है। 1500 रुपये में आपका जो मोबाइल का डिस्प्ले है वायरलेसली टीवी पे आ जाएगा आपके, मोबाइल में आप जो कुछ चलाएंगे वो सारा कुछ टीवी पे आता जाएगा, मोबाइल में जो कुछ आप देखना चाहते हैं वो सब आपके टीवी पे आएगा, और बगैर तार के कोई वायर वायर भी नहीं लगती इसमें। हर मोबाइल में तकरीबन ऑप्शन होता है मीरा कास्ट का, तो आप मीरा कास्ट से इसको स्क्रीन को कास्ट कर सकते हैं। ये इसका डिस्प्ले आ गया, आप मीरा स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे, ये आ गया मोबाइल टीवी पे। और मोबाइल पे आप जो कुछ चलाना चाहते हैं आप चलाते हैं, अमूमन लोग जितने बच्चे मेरे कार्टून देखते हैं, आप मोबाइल पे जो चलाएंगे वो आएगा, आप मोबाइल को रोटेट कर देंगे तो ये रोटेट भी हो जाएगा, आप इसको यहाँ से रोटेट कर देंगे ना तो ये रोटेट भी हो जाएगा। ये इनिशियल है, यानी सस्ते पैसों में आपका टीवी स्मार्ट होता है, ठीक है, ये मोबाइल के थ्रू चलता है, अगर मोबाइल बंद तो ये बंद। मोबाइल मतलब आप मोबाइल पे कोई भी काम कर रहे होंगे उस पर नजर आए, टीवी पे आएगा, कुछ होगा, हाँ, मोबाइल देखने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं, मोबाइल पे जो चलेगा वही चलेगा, मोबाइल आप बंद कर देंगे ये भी बंद हो जाएगा। यहाँ से स्टार्टिंग होता है, ये सबसे लोएस्ट है अगर आप अपने टीवी को स्मार्ट करना चाहते हैं। एंड्रॉयड बॉक्सेस, ये एंड्रॉयड बॉक्सेस होते हैं, ये सारे एंड्रॉयड बॉक्सेस हमारे पास लगे हैं, ये जितने भी ये सारे के सारे बॉक्सेस हैं। ये 3000 रुपये की है, ये 2GB रैम और 16GB स्टोरेज के साथ है। यहाँ से एंड्रॉयड बॉक्स की प्राइसिंग स्टार्ट होती है, यहाँ से ही शुरू होता है, ये सबसे लीस्ट क्वालिटी, सबसे हल्की क्वालिटी की मशीन है, ठीक है। वाई सुखी ना, इसका फ़ायदा ये होगा कि ये मोबाइल से नहीं चलेगी, ये डायरेक्ट खुद ही वाईफाई कनेक्ट करती है इंडिविजुअल। इसमें भी क्वालिटियाँ होती हैं, अगर आप सस्ती खरीदोगे तो ज़ाहिर है वो हल्की क्वालिटी की होगी, और जितना आप प्राइस बढ़ाते जाओगे उतनी आपको अच्छी डिवाइस मिलती जाएगी। सादा टीवी जो है वो स्मार्ट कर देगा, लेकिन अब आप इसको ये समझ लें कि इसमें दो चीज़ें लगती हैं, HDMI केबल और एडाप्टर। HDMI का एक पोर्ट इसमें लगेगा और एक आपके टीवी में लग जाएगा, तो आपका टीवी जो है, जो सादा टीवी है, वो स्मार्ट हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है आपके पास LCD हो तो ही स्मार्ट होगा, अगर आपके पास बड़े पेड वाला, जो पुराने ज़माने का टीवी होता था बड़े पेड वाला, आप उसको भी स्मार्ट कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन होता है AV का, आप एक तार यहाँ लगा देंगे, उसमें से 3 वायरें निकलेंगी, रेड, येलो और वाइट, वो आप अपने टीवी में लगा देंगे, तो आपका जो CRT टीवी कहते हैं उसको, वो भी स्मार्ट हो जाएगा। तो ये इसका मेन इंटरफेस है, ये चलता है बेसिकली इसके अपने रिमोट से,
आप सबसे पहले जाते हैं सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद आप नेटवर्क पे जाते हैं और अपने घर का जो भी वाईफाई है वो आप कनेक्ट कर लेते हैं, जो भी आपके घर का उस वक्त आ रहा होता है वाईफाई, आप उसका पासवर्ड डालते हैं जैसे हम मोबाइल में डालते हैं, बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है इसमें, बिल्कुल आते हैं चैनल्स भी आते हैं इसमें, आप चैनल्स भी देख सकते हैं। चैनल्स के लिए तो ये बहुत ही हॉट केक है, सबसे ज़्यादा इस चैनल की वजह से ही बिकता है। अमूमन जो पाकिस्तान से बाहर लोग होते हैं वो ये लेके जाते हैं अपने साथ, पाकिस्तान से बाहर आप जाएंगे तो वहाँ आपको पाकिस्तानी चैनल्स मिलते नहीं हैं, तो इसके थ्रू आप पाकिस्तान, इंडिया, यूके, यूएसए, दुनिया भर के जितने चैनल हैं सब देख सकते हैं। ये दुनिया में कहीं भी जाएँ चल जाएंगे और फुल HD में चलती है ये इसका ऐप से। अब इसमें जो YouTube है वो डायरेक्ट चलेगा, आप YouTube पे क्लिक कर देंगे ना तो ये डायरेक्ट आपका चल जाएगा। ये MXQ की मशीन है, ये बहुत ही अच्छी मशीन है, ये दो कैटेगरीज में आती हैं, 2GB RAM में भी आती हैं 16GB और 4GB RAM 64GB में भी आती है। ये MXQ की मशीन है, ये 2GB RAM में भी आती है और 4GB RAM में भी आती है। 2GB RAM में आप लेते हैं तो ये अराउंड 3500 की पड़ती है और अगर 4GB में आप लेते हैं तो ये आपको 4000 की पड़ती है। ऐप्स रखने के लिए या कुछ डेटा अगर आप इसमें सेव करना चाहते हैं तो आप इसमें सेव कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर परफॉर्मेंस चाहते हैं, स्पीड चाहते हैं कि जल्दी जल्दी काम करे तो वो सारा इसी पर डिपेंड करता है, प्रोसेसर पर, रैम पर, क्वालिटी पर। ये बड़ा हॉट केक है, ये भी बहुत दिखता है हमारे पास, ये भी दो वेरियंट में आता है, 2GB RAM और 16GB स्टोरेज और 4GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ आता है। 2GB RAM और 16GB स्टोरेज लेंगे तो 3200 का है और अगर आप 4GB में जाते हैं तो ये आपको अराउंड 4000 का पड़ता है, ठीक है। ये सारी डिवाइसेज नॉन वारंटी की होती हैं, इनमें वारंटियाँ नहीं होती, लेकिन हम अपनी दुकान की चेकिंग वारंटी दे देते हैं, ठीक है। ये सारी लो रेंज आपको दिखा रहे हैं अभी, आपको फिर अब मिड रेंज और हाई रेंज में भी लेके जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे ताकि आपके व्यूवर्स को अंदाज़ा हो सके कि क्या क्या मशीन है। ये R69 है, ये 4GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ आती है, 4000 की मशीन है ये। ये आती है 395H, ये बहुत अच्छी है, 6K तक जाती है ये। वो जितनी भी डिवाइस हमने देखी थी वो 1080 थी, अब ये सारी डिवाइसेस जो हैं ये थोड़ी सी अच्छी मशीन है, ठीक है। ये 395H है, ये 4GB RAM और 32GB स्टोरेज के साथ आती है, 4GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ भी आती है, ठीक है। ये 4500 रुपये की मशीन है सर। इसके अंदर भी सेम ऐसे ही जैसे उसमें ऑप्शन था, आप पावर अडॉप्टर लगा सकते हो, HDMI लगा सकते हो, वाईफाई भी होता है और इंटरनेट का आप वायर भी लगा सकते हो। आप इसमें कीबोर्ड माउस लगाना चाहो तो आप वो भी लगा सकते हो, कीबोर्ड माउस का भी इसमें ऑप्शन होता है। कस्टमर को जो भी चाहिए होगा वो अपनी रेंज बता देगा तो हम अपने हिसाब से जो बेस्ट होगा वो उसको सजेस्ट कर देंगे। ये सर जितना आप पैसा खर्च करेंगे आपको उतनी अच्छी चीज़ मिलेगी। 395H ये 4GB RAM में आती है और बहुत ही अच्छी मशीन है, चैनल भी आप इसमें देख सकते हैं, YouTube, Netflix, Play Store सभी कुछ आप इसमें देख सकते हैं। ये इसका मेन इंटरफेस है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, आप सेटिंग पे जाते हैं और अपने घर का इंटरनेट कनेक्ट करते हैं और जो भी अब आप इसकी स्पीड देख रहे हैं उसके मुकाबले में बहुत फास्ट है, आप इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं जो भी आपके घर का इंटरनेट होता है। अच्छा सर, ये तो आपको पता है कि इसमें लोग ज़्यादातर YouTube और छोटी मोटी जो ऐप्स होती हैं, Netflix हो गया, Play Store हो गया, ये सब चीज़ें चला रहे होते हैं। एक और सर्विस इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, टीवी चैनल्स हो गए, मूवीज़ हो गए, ये आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी बॉक्सेज आप हमसे परचेज करते हैं उसमें हम ऑलरेडी ये सब चीज़ें फुली लोडेड करके देते हैं ताकि आपको कोई चीज़ डाउनलोड करने की ज़रूरत ना पड़े, तो भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फ्री होती है ना ये? नहीं, ये चीज़ें जो होती हैं ना ये अमूमन मिलती नहीं है लोगों को, ये अंडरग्राउंड JPK होती हैं, ये एड फ्री होती हैं और इसके अंदर कंटेंट बहुत अच्छा होता है, ये अमूमन लोगों को नहीं मिलती तो इसलिए हम लोग करके दे देते हैं। तो अगर आपने लाइव टीवी देखना है तो आप लाइव टीवी भी देख सकते हैं, इसमें आपको पाकिस्तानी चैनल्स मिलते हैं, इंडियन चैनल्स मिलते हैं, यूके, यूएसए एंड ऑल द वे, बहुत सारे इसमें कैटेगरीज हैं चैनल्स, ये आप देख सकते हैं, पाकिस्तानी न्यूज़ है, पाकिस्तानी इंटरटेनमेंट है, इंडिया है, स्पोर्ट्स है, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, OSN है और ऑल द वे अराउंड आपको तकरीबन 10-12 हज़ार करीब चैनल मिल जाते हैं, ये बहुत सारे चैनल हैं। आप फॉर एग्जांपल एक डेमो आप करा देते हैं, पाकिस्तानी न्यूज़ अगर आपने देखनी है तो आप पाकिस्तानी न्यूज़ पे क्लिक करेंगे ना तो सारे आपको चैनल मिल जाएंगे, जियो न्यूज़ है, ARY है, जियो है, 92 न्यूज़ है, ये सब आप इस पे देख सकते हैं। ये सर 4500 की है, 4500 रुपये की है। और भी आपको डिवाइसेस दिखा देते हैं, ये सारे डिवाइसेस लगी हुई हैं, ये X96Q है, ये भी बहुत अच्छी मशीन है, ये 4500 रुपये की है, 4GB 64GB है, 4500 जी। अब आते हैं कुछ अच्छी डिवाइसेस पे जो एक साल की वारंटी के साथ आती हैं और बहुत ही प्रीमियम मशीन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है LJB की है, 89 अल्ट्रा प्रो मैक्स है, LJB कंपनी का है,
ब्लूटूथ के साथ आता है, एंड्रॉयड 11 के साथ है और एक साल की कंप्लीट वारंटी के साथ आता है। इसी का सेम एक और मॉडल है एंड्रॉयड 10, ये एक मशीन है, एक ये आपको पड़ती है अराउंड 6000 रुपीज़, ये 6000 रुपये की मशीन है, ठीक है। और अगर आप इस पे आते हैं तो ये भी बहुत अच्छी मशीन है, लैपटॉप टेनिक्स प्रो है, ये 5500 रुपये की है, ये भी एक साल की वारंटी के साथ है, इसमें एंटेना भी दिया हुआ है, इस तरीके से होती है मशीन। एक तो सर ये वारंटी वाली है, दूसरा इसकी परफॉर्मेंस इन आम डिवाइसेस के मुकाबले में बहुत अच्छी होती है, परफॉर्मेंस वाइज, चलने में, स्पीड वाइज, इसमें एंटेना भी होता है, वाईफाई की रेंज भी इसकी अच्छी होती है, बिल्ड क्वालिटी भी इसकी अच्छी है दूसरी डिवाइसेस के मुकाबले में। ये 8GB रैम है, 64GB स्टोरेज है, ये भी 1 ईयर वारंटी के साथ ही 7000 रुपये की है, ये भी बहुत अच्छी मशीन है। और डिवाइसेज है यहाँ पर आए, ये H96 की पूरी सीरीज है, ये बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही अच्छी सीरीज होती है, ये बहुत ज़्यादा बिकती है हमारे पास। ये कितने की है? ये 6000 रुपये की है, 4GB रैम है, 32GB स्टोरेज है, ये इसमें दो वेरिएंट आते हैं, 4/32 और 4/64। 4/32 आपको पड़ता है 6000 रुपये का और 4/64 आपको पड़ता है तकरीबन 7500 रुपये का। ये ज़्यादातर लोग जो गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं या थोड़ी सी हैवी मशीन पे जाना चाहते हैं तो अमूमन वही लोग इस पे जाते हैं। इससे और ऊपर आएँ तो ये H96 Max है, X3 बिल्कुल चलते हैं, आप इस पे गेम खेल सकते हैं। एंड्रॉयड है ना, प्ले स्टोर दिया हुआ है इसमें, आप जो भी प्ले स्टोर की गेम जो डालना चाहें आप डाल सकते हैं, एंड्रॉयड की जो गेम्स होते हैं वो आप इसमें खेल सकते हैं। 4GB रैम और 128GB के स्टोरेज के साथ ये मशीन है, ये 12000 रुपये की मशीन है। जैसे ये डेनी कंपनी की है, डेनी में भी दो वेरियंट आते हैं, 2GB रैम, 32GB स्टोरेज और 2GB रैम और 32GB स्टोरेज। ये 5500 रुपये का पड़ता है 2GB वाला, और 4GB वाला लेते हैं तो 7500 रुपये का पड़ता है, ठीक है। इसी तरह ये लैपटॉप का भी एक बहुत अच्छा मॉडल है, T9 Pro Plus Max Plus, इतनी खास मशीन है नहीं है लेकिन ठीक ये भी चल जाती है, ये 4500 रुपये की मशीन है, ये आसानो है 4200 रुपये की है, ठीक है। MI बहुत बिकती है लेकिन MI तकरीबन हर बंदा नहीं लेता MI, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है और इसको थोड़ा सा टेक्निकली टर्म्स में आप समझें तो ये बहुत आसान होता है चलाना, इसको चलाना थोड़ा सा इतना आसान नहीं होता, थोड़ा मुश्किल होता है। ये 10500 रुपये का है, तो ब्रांडेड है, MI कंपनी का है। अच्छा, वारंटी भी है? वारंटी तो नहीं होती इसकी, तो इंटरनेशनल वारंटी होती है, ये तो दुबई में क्लेम होगी, आपको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अमूमन ये ख़राब होता नहीं है, बहुत अच्छी मशीन है। दूसरा, इसमें जो वॉइस रिमोट जो होता है वो वॉइस वाला होता है, आप मुँह से कमांड देंगे या बोलेंगे तो ये ले लेते हैं, वॉइस कमांड के जरिए आप। जी जी, वो भी आपको दिखाता हूँ, कीबोर्ड आता है, एयर माउसेस आते हैं, ये सब चीज़ें आपको दिखाते हैं। ये MI की मशीन है, 10000 ये 10000। इसका असल में होता पता है क्या, इसका रोज़ का रेट होता है, कभी रेट इसका ऊपर होता है कभी नीचे होता है, अभी थोड़े दिनों पहले ये 10200 की थी, अब 10500 की हो गई है। ये रिजल्ट भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त है, 4K है और बहुत ही आउट क्लास इसकी क्वालिटी होती है। इसका रिमोट होता है वॉइस रिमोट, रिजल्ट का ताल्लुक स्क्रीन से नहीं है, अगर स्क्रीन अमूमन तो स्क्रीन से ही होता है, ज़्यादातर तो स्क्रीन से ही है। अगर आपकी स्क्रीन अच्छी नहीं है तो अगर आप ये लगा रहे हो तो यूजलेस है, और अगर आपकी स्क्रीन अच्छी है तो आप कोई भी बॉक्स लगा दें वो रिजल्ट आपको अच्छा दे देगा। 5000 वाली LCD उसके लिए 10000 रुपये वाली, ज़ाहिर है बिल्कुल नहीं करेंगे, सही आप सही कह रहे हैं। ये अमूमन 5000 वाली स्क्रीन वाले लेते भी नहीं हैं, ये वही लेते हैं जिनके पास थोड़ी बड़ी स्क्रीन होती है। सर बिल्कुल यही कहूँगा कि स्मार्ट टीवी से लाख गुना अच्छा होता है ये इस बॉक्स को लगाना। आप किसी टीवी वाले से भी पूछ लेंगे, ज़ाहिर हमारी खुद की टीवी की भी शॉप है, हम टीवी भी सेल करते हैं तो हमें पता होता है, तो टीवी के अंदर स्मार्ट का फंक्शन होता है वो इतना यूज़लेस होता है बनिस्बत इसके, ये बहुत ही यूज़फुल होता है। सबसे बड़ी बात, इसमें रैम बहुत अच्छी होती है, स्टोरेज बहुत अच्छी होती है, एंड्रॉयड का फीचर अच्छा होता है, अमूमन इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है, आप आम जो स्मार्ट टीवी खरीदते हैं उससे इसके मुकाबले में बहुत अच्छा होता है। और अमूमन लोग करते क्या है, पुराना अपना सादा टीवी बेच के स्मार्ट टीवी खरीदते हैं और बहुत पैसे डालते हैं, इससे बहुत बेहतर है आप ये बॉक्स लगा लें, आपका जो पुराना टीवी है वो बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉयड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कीबोर्ड होते हैं, ये एंड्रॉयड बॉक्स के साथ आप लगा के यूज़ कर सकते हैं, ये डोंगल बेस्ड वायरलेस कीबोर्ड होते हैं, स्मार्ट टीवी के साथ लगा सकते हैं, लैपटॉप के साथ लगा सकते हैं, कंप्यूटर के साथ लगा सकते हैं, ये वैसे अमूमन ज़्यादातर एंड्रॉयड बॉक्सेस के साथ, स्मार्ट बॉक्सेस के साथ ही बिकती है। ये कितने की है? ये सर 750 रुपये का, 750 रुपये। ये इसका डोंगल होता है, ये डोंगल आप किसी भी एंड्रॉयड बॉक्स में लगा दें तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये इसका माउस पैड होता है और ये इसका कीबोर्ड होता है और वायरलेसली ये काम करता है, ये बिकता है ज़्यादातर एंड्रॉयड बॉक्सेस के साथ। फिर एक ये चीज़ होती है, ये भी बिकती है, ये एयर माउस है, एयर माउस
ये भी डोंगल बेस्ड होता है, डोंगल आप एंड्रॉयड बॉक्स में लगा दें। ये इसका रिमोट है, पीछे इसका कीबोर्ड होता है, आगे इसका रिमोट होता है और ये गायरो होता है, जहाँ आपका हाथ मूव होगा ना कर्सर स्क्रीन पे काम करता है, उसको गायरो कहते हैं। ये 1000 रुपये का 1000 रुपये इसका। ये तो सिर्फ डिवाइस के साथ काम करेगा? अमूमन लोग ज़्यादातर डिवाइस के साथ ही इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद स्मार्ट टीवी उसके पास ही करेगा? उसके पास भी कर जाएगा, आप स्मार्ट टीवी के साथ भी लगा सकते हैं इसको। डोंगल लगाना पड़ेगा? हाँ, लेकिन स्मार्ट टीवी की स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती, ये थोड़ा सा अच्छी स्पीड हो तो उस पर काम करता है। अब स्मार्ट टीवी में जो रैम होती है वो मेरे ख्याल से 1/2 GB और 1 GB होती है, इसमें ये क्या काम कराओगे आप? उसमें तो बस सिर्फ अमूमन लोग यूट्यूब ही देखते हैं। अब जब बॉक्स खरीदते हैं तो फिर इसमें नेटफ्लिक्स भी है, अमेजोन भी है, प्राइम भी है, चैनल्स भी हैं, सब चीज़ें मैटर करती हैं। जी सर, तकरीबन सारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। बाकी जो भी क्यूरीज हो वो बंदा हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन पे होगा, मेरा नंबर है 03212872651। डिस्क्रिप्शन पे हमारी दुकान का डिटेल भी होगी, हमारा वीडियो पे हमारा नंबर भी चल रहा होगा। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या ऑर्डर करना हो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा बंदा है। अगर आप चाहते हैं घर पे डिलीवरी तो डिलीवरी भी मिल जाएगी, और अगर आप चाहते हैं कि घर पे इंस्टॉलेशन कर दे आप, तो हमारा बंदा आएगा आपके घर पे लगा के सारा कुछ आपको चेक भी करा देगा, ये सर्विस भी हमारे पास अवेलेबल है। हाँ जी, तो व्यूअर्स ये थी एक छोटी सी अपडेट चैनल्स की दुनिया की, लाइट जाए ना जाए, केबल वाले की केबल सही है या टूट गया उसकी फिक्र ही नहीं है, सिर्फ नेट लगाइए, ये बॉक्स लगाइए और दुनिया भर के हज़ारों चैनल्स अपने टीवी पे देखिए। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।